माता कालिका के पांच चमत्कारिक मंदिर। हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी है माँ कालिका। माँ कालिका को खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। माँ काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। माँ काली के चार रूप हैं, दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। माँ कालिका के यूं तो हजारों मंदिर हैं, लेकिन पांच मंदिर ऐसे हैं जिनका कालिका पुराण में उल्लेख मिलता है। मंदिर नंबर एक, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। रामकृष्ण परमहंस की आराध्या देवी माँ कालिका का कोलकाता में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस स्थान पर सती देह की दाहिने पैर की चार अंगुलियां गिरी थी, इसलिए यह सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। इस स्थान पर 1847 में जान बाजार की महारानी रासमणि ने मंदिर का निर्माण करवाया था। 25 एकड़ क्षेत्र में फैले इस मंदिर का निर्माण कार्य सन 1855 में पूरा हुआ। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास स्थित इस पूरे क्षेत्र को कालीघाट कहते हैं। मंदिर नंबर दो, माँ गढ़काली का उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन के कालीघाट स्थित कालिका माता का प्राचीन मंदिर है, जिसे गढ़कालिका के नाम से जाना जाता है। उज्जैन क्षेत्र में माँ हरसिद्धि शक्तिपीठ होने के कारण इस क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर माँ भगवती सती के होस्ट गिरे थे। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता, फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सदयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कालजयी कवि कालिदास गढ़कालिका देवी के उपासक थे। मंदिर नंबर तीन, महाकाली शक्तिपीठ, पावागढ़, गुजरात। गुजरात की ऊंची पहाड़ी पावागढ़ पर बसा माँ कालिका का शक्तिपीठ सबसे जागृत माना जाता है। यहाँ स्थित काली माँ को महाकाली कहा जाता है। कालिका माता का यह प्रसिद्ध मंदिर माँ के शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि माँ सती के दाहिने पैर की अंगुलियाँ पावागढ़ पर्वत पर गिरी थी। यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित है, जो वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। रोपवे से उतरने के बाद आपको लगभग 250 सीढ़ियां चढ़ना होगी, तब जाकर आप मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचेंगे। मंदिर नंबर चार, काली का मंदिर, कांडा मार्केट, कांडा जिला, बागेश्वर, उत्तराखंड। इस काली का मंदिर की स्थापना 10वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। कैलाश यात्रा पर यहां पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य ने लोगों की रक्षा के लिए मां काली के विग्रह की स्थापना पेड़ की एक शाखा पर की थी। इस स्थान पर 1947 में एक मंदिर बना दिया गया। लोक मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र में काल का आतंक था। वह हर साल एक नर बलि लेता था। वह अदृश्य काल जिसका भी नाम लेता उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती थी। लोग परेशान थे। परेशान लोगों ने शंकराचार्य से अपनी आपबीती सुनाई। जगत गुरु शंकराचार्य ने स्थानीय लोहारों के हाथों लोहे के 9 कड़ाहे बनवाए। लोक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने अदृश्य काल को 7 कड़ाहों के नीचे दबा दिया। इसके ऊपर एक विशाल शिला रख दी। उन्होंने यहाँ एक पेड़ की जड़ पर माँ कालिका की स्थापना की। तब से काल का खोप खत्म हो गया। मंदिर नंबर पांच, भीमा काली मंदिर, शिमला, हिमाचल।
हिमाचल से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर सराहन में व्यास नदी के तट पर भीमा काली मंदिर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पर देवी सती के कान गिरे थे, इसलिए यह शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देवी ने भीम रूप धारण करके असुरों का वध किया था, इसीलिए देवी भीमा कहलाती है। यहाँ देवी काली की पूजा होती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ वानासुर का वध किया था।